दोपहर के तीन बजे हैं ये रेडियो पाकिस्तान है अहमद से खबरें सुनिए अहम खबरों का खुलासा वजी अजम ने पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और सरमाकारों को हर मुमकिन तहफ़ और सहूलत फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई है वजीर इतलात ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के तल्ल एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जो पाकिस्तान की मीशत के लिए एक संग मील साबित होंगे पाकिस्तान और इटली ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक मजबूत और मौसर तरीका पर इतफाक किया है अकवा इंसानी अमूर के, के ताबून के इदारे ने मगबी किनारे में इसराइली फौज के हाथों फलस्ती की अमलाक मुनरिम करने से एक इंतबाह जारी किया है मरूफ जॉन की आज तीसरी बरसी बनाई जा रही है पोलैंड के शहर ग्र में जारी हॉकी कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला फ्रांस से होगा और अब खबरें वजी अजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और सरमाकारों को हर मुमकिन तहफ़ देने की यकीन दहानी कराई है उन्होंने आज में चीन पाकिस्तान कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए कहा कि बशाम में दहशत गर्दी की मजमूम कार्रवाई के बाद मुल्क भर में कहीं भी काम करने वाले हर चीनी शहरी की जान के तहफ़ के लिए कई जाम इकदाम किए गए हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरीों के तहफ़ के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे और इस हवाले से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी चीनी सदर शी जिनपिंग की क्यादत में गुजशत बरसों में चीन की तरक्की को सराहते हुए वजी अजम ने तरक्की के इस अजीम मॉडल की पैरवी करने के ठोस आज़म का इजहार किया मुल्क की इस्तेदाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के मादरी झखार की मालियत तकरीबन दस ट्रिलियन डॉलर है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सोने और तांबी के खाइर को बुरेकार लाकर अपनी बरामदी सालाहियत बढ़ा सकता है वजे अजम ने चीनी कंपनीों के साथ बाहमी मफाद पर मबनी माहिदों के लिए पाकिस्तानी ताजरों को मुकम्मल ताउन और सूरत फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई इस मौके पर नायब वजी अजम और वजी खारजा इसक डार ने कहा कि चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में अपने कारोबार के क़याम के सिलसिले में फौरी और मुकम्मल सहूलत दी जाएगी उन्होंने कहा कि खसूस सरमायकारी सहूलत कौंसिल सरमाकारों और कारोबारी अफराद को सहूलत देने के मकसद के तहत कायम की गई है वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क में बड़े इकसदी इशारियत दुरुस्त और मजबत समत में गामजन हैं उन्होंने चीन पाकिस्तान कारोबारी फोरम से ख़िताब में कहा कि वजे अजम शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक हुकूमत माशी बहाली के लिए मुल्की पैदावार को फ़रोग देने के एजेंडे पर अमल पैरा है वजर अज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरक मफादा पर मबनी कारोबारी तावन दोनों मुल्कों के दरमियान रोशन मुस्तकिल काामिन है उन्होंने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में शनसन में चीन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में अपनी शिरकत का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने खसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जरात कानकनी स्टील टेक्सटाइल और काबिल तजद तोानाई में चीनी टेक्नोलॉजी की मुंतकली सनत और शरकत दारी समेत अहम शोबों में बाहमी तजारत और सरमाकारी की सलाहित को उजागर किया वजी अजम ने कहा उन्होंने चीनी दोस्तों को सरमाकारों को सहूलत देने और पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों मनसूबों और सरमाकारी का तहफ़ यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़्म का यकीन दिलाया चीन की एक कंपनी ट्रेंशन होल्डिंग्स ने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रिक बाइक्स जदीद ज़रात और मालियाती टेक्नोलॉजी में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है यह बात कंपनी के बानी और चेयरमैन जाव जगजेंग ने वज़र अजम शहबाज शरीफ से शेंजन में मुलाकात के दौरान कही वज्राजम ने विफाक वज़रा और चीन में पाकिस्तान के सफी को हिदायत की कि वो ट्रेंचन होल्डिंग के साथ मिलकर इस हवाले से जल्द हमत अमली तैयार करें वजर अदम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शैजन में नन्शान वन स्टॉप सर्विस सेंटर का दौरा किया उन्होंने दौरे में विफाक वज़्रा और मुतल अफसरान को हदायत की कि वह नन्शान वन स्टॉप सर्विस सेंटर के हुकाम से तबादला ख्याल करके पाकिस्तान में भी ऐसा जदीद निज़ाम कायम करने के मनसूबे को हथ शक्ल दें वजे यादम को एक छत तले कंपनीों के इंदराज और दूसरे अमूर के हवाले से डिजिटल निज़ाम के बारे में तफ्ली ब्रीफिंग दी गई शहबाज शरीफ ने शनजन नुशी एजायब घर का भी दौरा किया उन्होंने एजायब घर के मुख्तफ हिस्से देखे और शहर की तरक्की के सफर की तारीफ की अखलात नशियात के वजी अतार ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान रवाबित एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जो पाकिस्तान की मैशत के लिए एक अहम संग मील है उन्होंने शनजन में सहाफियों से गुफोग करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान इत्यादी राहदारी की तोसी की जा रही है उन्होंने कहा मुख्तिक शोबों में ताउन के फरोग के लिए चीन के साथ मुशावरत जारी है खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं वजीरम शहबाज शरीफ ने मालियाती मसाइल के हल और क्रा अर्ज के इसकाम के लिए बैन बेवाली कोशिशों के हवाले से पाकिस्तान के अजम का अदादा किया है उन्होंने मालियात के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि सरसब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम ग्रेसिन की बका के मनसूबे और कौमी मुताबकती प्लान जैसे मनसूबे पाकिस्तान के जंगलात को फ़रोग देने और मालियाती बहाली के इकदाम की अक्सी करते हैं जिससे जंगलात में कमी और हतियाती तनवु से मुतल मसायल के हल में मदद मिलेगी पंजाब हुकूमत ने आज से सूबे भर में प्लास्टिक के थैलों की पैदावार और फरोख पर पाबंदी आयद कर दी है पंजाब के वजीर अली मरीम नवाज शरीफ ने माहौल के आलमी दिन पर अपने पैगाम में यह अहम ऐलान किया उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी पर होटल्स रेस्तरा और खाने पीने के मराकज़ में खूस सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा वजी अल ने प्लास्टिक के इस्तेमाल के माहौल और इंसानी सेहत पर मुजर असरात को भी उजागर किया और कहा कि प्लास्टिक से इनकार मुहिम का मकसद मालियाती आलूदगी में कमी लाना और माहौल दोस्त इकदाम को फ़रो देना है रेडियो पाकिस्तान आज दोपहर चार बजकर पाँच मिनट पर अपने कौमी प्रोग्राम में माहौल के आलमी दिन के सिलसिले में एक मजाक नशर करेगा पाकिस्तान और इटली ने गैर कानूनी तारकिन वता और इंसानी स्मग्गलिंग के मसायल के हल के लिए एक मरबूत और मौसर अमल पर इतफाक़ किया है यह इतफाक़ राए वजी दाखिला महसिन नकवी और इटली के वजीर दाखिला मेथ्यू पेंतादोसी के दरमियान रोम में मुलाकात के दौरान हुआ बैरू मुल्क मुकैम पाकिस्तानी के अमूर के वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे फ्री ने मनुष्यात की स्मगलिंग के खात्मे के लिए भी मुश्तरक कोशिशें करने पर इतफाक़ किया है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इटली में पाकिस्तानियों के गैर कानूनी तौर पर दाखिले और मनुष्यात की स्मगलिंग से निपटने के लिए हर सतह पर इकदाम किए गए हैं चौधरी सारिक हुसैन ने कहा कि इटली पाकिस्तान की हुनरमंद अफराधी कौत से इस्तीफ़ा कर सकता है उन्होंने गैर कानूनी तारकिन वतन की हौसलाशिकनी करते हुए हुनरमंद अफराधीवत के लिए माहदे को जल्द हतमी शक्ल देने की ज़रूरत पर जोर दिया इटली के वजीर दाखिला ने कहा कि उनका मुल्क सरहदी तहफुज़ और इंसानी और मनुष्यात की स्मगलिंग से मुतक मसाइल पर पाकिस्तान के साथ ताउन करेगा अकवा मुत के इंसानी अमूर के तान के इदारे ने मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के हाथों फ़लस्तियों की अमलाक मनहदम करने के बाद इतबाह जारी कर दिया है इदारे ने आज एक बयान में कहा है कि घर और इमलाक लोगों की गुजर बसर के ज़रा हैं और इनकी तबाही लोगों को उनके आबाई मकाम से नकल मकानी पर मजबूर कर रही है इदारे के मुताबिक इसराइली हुकाम अब तक मकौजा मगरबी किनारे में दस हज़ार सात सौ चौरानवे फलस्तनी मलक्यतीमीराम में इसहार कर चुके हैं जिसके नतीजे में सोलह हज़ार तीन सौ सतर फलस्तनी बेघर हो गए हैं यह इंतबा मकबूजा मगरबी के में इसराइली फ़ौज की जानब से एक फलस्तनी की जरियी अराजी तबाह करने की हालिया रिपोर्ट के बाद जारी किया गया है गजा के मुख्त इलाकों में गुजशत चौबीस घंटे के दौरान इसराइली फ़ौज की वहशियाना हमलों में छियासठ फलस्ती शहीद हो गए हैं जिसके बाद गुजशत साल अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तियों की मजमू तादाद छत्तीस हजार छह सौ हो गई है मौरूफ़ गुरुकार एस बी जॉन की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है वो उन्नीस सौ तीस में कराची में पैदा हुए उनका पूरा नाम सनी बेंजामिन जॉन था उन्होंने प्रोफेशनल गुलकारी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया उन्नीस में फिल्म सवेरा के लिए गाए हुए उनके नगमे तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ने उन्हें शहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया मौसीकी के शोबे में गला कदर खदमा पर एस बी जॉन को दो हज़ार ग्यारह में सदारती तमगे हसन कारदगी का एजाज़ दिया गया वो तवील इलाल के बाद दो हज़ार इक्कीस में आज के दिन कराची में इंतकाल कर गए रेडियो पाकिस्तान आज सुपहर तीन बजकर पैंतालीस मिनट पर अपने कौमी नशाती रामते गलकार एस बी जॉन की बरसी के हवाले से एक फीचर प्रोग्राम नशर करेगा पोलैंड के शहर गेंजू में जारी एफ आई एच हॉकी नेशंस कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला फ्रांस से होगा मैच पाकिस्तान के मीरी वक्त के मुताबिक रात नौ बजे शुरू होगा और अब मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा बारह घंटे के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों में मौसम ज्यादातर शदीद गर्म रहेगा ताहम गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर इस्लामाबाद खिता पठोहार बालाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूवा हाँ में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है आज रिकॉर्ड किया गया बस शहरों का दर्जा हरारत। लाहौर छत्तीस पिशावर चौबीस कोयटा इकतीस गिलगित छब्बीस मरी बाईस मुजफ्फराबाद अट्ठाईस श्रीनगर बाईस जम्मू उनतालीस और लह तेरह डिग्री सेंटीग्रेड रहा अहम खबरों का खुलासा एक मतबा फिर सुन लीजिए वजीर अज़म ने पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और समायकारों को हर मुमकिन तहफ़ और सहूलत फ्राह्म करने की यकीन दहानी कराई है वजीर अलात ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के तल्ल एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जो पाकिस्तान की मीशत के लिए एक संग मील साबित होंगे पाकिस्तान और इटली ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक मरबूत और मौसर तरीक़ार पर इतफाक़ किया है अकवा मुत के इंसानी अमूर के ताउन के इदारे ने मगरबी किनारे में इसराइली फौज के हाथों फलस्तियों की अमलाक मनहर करने से एक जारी किया है मरूफ गुरुकार एस पी जॉन की आज तीसरी बरसी बनाई जा रही है पोलैंड के शहर गो में एफ आई एच हॉकी नेशन कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला फ्रांस से होगा खबरें खत्म हुई मजीद खबरों और तस्वीर के लिए हमारी वेबसाइट पर पता है रेडियो डॉट जी डॉट पी के और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिस पर बरह वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुहैदा कीजिए